नमस्ते जी नमस्ते। आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस 2018 का क्वेश्चन पेपर यूजिंग 15 क्वेश्चंस ईच पर वीडियो। सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट एंड हिट दैट लाइक बटन सो दैट हम भी 2 रुपए की कमाई हो जाए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और हम कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेल रहे हैं। क्वेश्चन आप खुद पढ़ सकते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको जल्द से जल्द अपनी शीट पे फ्लो चार्ट बनाना है। रिमेंबर दिस इज अ टाइम्ड एग्जामिनेशन, आपके पास टाइम की थोड़ी सी कमी है। तो जैसा जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैसे वैसे इन्फॉर्मेशन आप जॉट डाउन कर दीजिए, बट एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में जो कि आपकी स्क्रीन पे अब आते ही रहेगा। अब ए इज द मदर ऑफ डी, तो लिख दीजिए ए, देन राइट मॉम नेक्स्ट टू हर एंड देन डी। अब हमें नहीं पता कि उनकी बेटी है या बेटा, सो वी विल जस्ट राइट डी। एंड सिस्टर ऑफ बी, तो ए बी की बहन भी है, तो बी को हम ब्रो मेंशन कर देते हैं। एंड देन बी हैज अ डॉटर सी, तो सी बी की बेटी है, तो हम उनके आगे बेटी लिख देंगे। और अब शी इज मैरिड टू एफ, तो एफ दुखियारे पति हैं जो कि ज्यादातर पति होते ही हैं, तो हम उनका नाम दुखी लिख देंगे। देन जी आ गए हस्बैंड ऑफ ए, दैट मीन्स डी के डैडी, तो अब वो हस्बैंड भी हैं और डैडी भी हैं, तो हम जी लिख के दुखी डैडी मेंशन कर देंगे। तो अब यहाँ पे आपका फ्लो चार्ट हो गया कंप्लीट बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव बीन प्रोवाइडेड। और इसके हिसाब से आपके सामने आंसर खुद ब खुद आ गया कि हाउ इज जी रिलेटेड टू डी, जी इज डीज गेस व्हाट फादर, एंड दैट इज बेसिकली द करेक्ट आंसर, दैट इज फादर, सिंपल इजंट इट। तो ऐसे वाले सवालों में आपने फ्लो चार्ट बनाना है ताकि आपको इमीडिएटली करेक्ट आंसर मिल जाए। मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, मैथमेटिक टाइप क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहली ट्रिक, ऐसे सवालों में जो हमने ज्यूम करना है उसको मान लीजिए 100 रुपए, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यूजली ये ट्रिक क्वेश्चन होते हैं। आपको लगता है ये आसान है और वाकई में वो आसान है भी, बट कहीं ना कहीं ये बीच में क्वेश्चन घुमा रहा है। इफ द प्राइस ऑफ बुक इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 25%, तो मान लीजिए द प्राइस ऑफ बुक इज 100 रुपीज एंड ऑलवेज ज्यूम इट टू बी 100, तो उसका 25% हुआ 25 रुपए। तो अब आप 100 में से 25 रुपए घटा दीजिए तो क्या बचेगा आपके पास? 75 रुपए। अब कहता है कि प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 20%, क्योंकि यहाँ पे द कीवर्ड इज देन इंक्रीज्ड बाय 20%, तो 75 के 20% कितने हुए? 15 रुपए हो गए। तो 75 में 15 बढ़ा दिए तो क्या बना टोटल अमाउंट? 90 रुपए। देन द नेट चेंज इन द प्राइस विल बी, दैट इज द क्वेश्चन। तो 100 में से 90 क्या गए? 10, तो डिफरेंस क्या है? 10 रुपए। दैट इज योर थर्ड ऑप्शन। See how simple it is? तो ये assumption का question था। अब फटाफट आगे चलते हैं कि which of the following is correctly matched? अगर ऐसे सवाल which is either you know it or you quit, अगर आपको इस सवाल का जवाब नहीं पता है तो कृपया करके आप ऐसे questions में तुक्का ना मारें, because that's a -1। अब यहाँ पे हम process of elimination से थोड़ा बहुत अपने answer के आसपास जा सकते हैं। इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, अगर आप दिल्ली से हैं, ILI और लॉ में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको मोस्ट लाइकली ये बात मालूम होंगी कि ILI से वन ऑफ द मोस्ट सॉल्ड आफ्टर LLMs होती है इस देश की, तो वो सर्टनली भोपाल में तो नहीं है। सो दैट थ्रोज ऑप्शन नंबर 1 आउट ऑफ द विंडो। अब बाकी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज चंडीगढ़ में है या नहीं है मुझे नहीं मालूम। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया चेन्नई में है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये मालूम है कि नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी पुणे में है। So I'm going to tick that and that is the correct option. तो ऐसे वाले questions में अगर ये आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो well and good, leave the question because you cannot be knowing anything and everything under the sun. अब चौथे सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि 92nd amendment के द्वारा 8th schedule में कौन सी भाषा चूज की गई थी। अब यहाँ पे भी हम थोड़ी सी प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कर लेते हैं। नेपाल तो हमारा अच्छा खासा दोस्त है बहुत टाइम का, तो नेपाली तो अगर ऐड हुई होगी तो बहुत पहले हो गई होगी, तो नेपाली को आप कॉन्फिडेंटली हटा सकते हैं। But this is another either you know it or you quit type of question. So the correct answer is Maithili. So ऐसा question पूछा जा सकता है, तो ये आपने note कर लेना है कि Maithili was added into the 8th schedule via the 92nd amendment. But this has given us a clue on the type of questions being asked. तो हम 92nd amendment को थोड़ा सा explore कर लेते हैं। तो 92nd amendment में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली ये ऐड कराई थी, ये अब आप नोट कर लीजिए। बाय चांस इसका कोई सिमिलर क्वेश्चन आ जाए, ऐसा हो सकता है ना कि दोबारा इसी का मॉडिफाइड वर्जन आ जाए कि जी अब मैथिली की जगह संथली ऑप्शन दे दिया जाए, या बोडो दे दिया जाए, या डोगरी दे दिया जाए, तो आपको मालूम होना चाहिए। और इस अमेंडमेंट से जो टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस थी दैट गॉट इंक्रीज टू 22, दैट कैन ऑल्सो कम एज एमसीक्यू इन एनी ऑफ द लॉ रिलेटेड एग्जामिनेशंस।
तो ये बात आपने याद रखनी है। 8 स्केड्यूल को अमेंड किया जाता है लैंग्वेजेस के लिए, याद रख लीजिए कि 8 नंबर स्केड्यूल को अमेंड किया जाता है और 2003 में अमेंड किया गया बाय द 92nd अमेंडमेंट। अब थोड़ा सा 8 स्केड्यूल के बारे में जान लेते हैं बिकॉज एमसीक्यूज कैन बी फॉर्म्ड ऑन दैट एज वेल। कि 8 स्केड्यूल ओरिजिनली इंक्लूडेड 14 लैंग्वेजेस, देन सिंधी वॉज इंक्लूडेड बाय द 21st अमेंडमेंट विच वॉज इनएक्टेड इन 1967 एज इट इज ऑन योर स्क्रीन, और कोंकणी, मिथिलांड, नेपाली वर इंक्लूडेड बाय द 71st अमेंडमेंट 1992। तो 1992 में 18 हुई लैंग्वेजेस, अब जाके 2003 में 22 हो गई क्योंकि हमने 4 और ऐड कर दी। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, इस पे एमसीक्यू आ सकते हैं, क्लैट में आ सकते हैं, कहीं पे भी आ सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिटिशर्स ने फोर्ट सेंट जॉर्ज एज अ ट्रेडिंग पोस्ट कहाँ एस्टैब्लिश किया था। जहाँ पे ये टर्म ब्रिटिशर आ जाए ना इन हिस्टोरिकल क्वेश्चंस, और ऐसे आपको चाहे 4-6 ऑप्शन दे रखे हूँ, आई द आंसर इन मोस्ट केसेस चेन्नई और कोलकाता। तो यहाँ पे कोलकाता है नहीं, सो द मोस्ट लाइकली आंसर इज चेन्नई। बट आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से भी ये चेक कर सकते हैं, वाराणसी में कभी सुना है कि कोई ट्रेडिंग पोस्ट सेटअप की हो? नहीं। चंडीगढ़ ना, चंडीगढ़ तो उस टाइम आई थिंक होता भी नहीं था। देन जयपुर राजस्थान के अंदर कौन सी ट्रेडिंग थी? तो पोर्ट था ना उस टाइम, क्योंकि शिप्स बहुत ज़्यादा चलती थी, तो इट इज़ मोस्ट लाइकली चेन्नई एंड इट इज़ चेन्नई द करेक्ट ऑप्शन। तो याद कर लेंगे, इस पर रट्टा मार लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अनदर आइदर यू नो इट और यू क्विट काइंड ऑफ क्वेश्चन। इफ़ यू डोंट नो इट प्लीज डोंट टच इट, इट्स अ -1। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेमोरी ट्रिगर दे रहे हैं कि गुजरातियों को एनजीडी नहीं पसंद, वो कहते हैं कि जी जाओ, तो अहमदाबाद वालों के पास एनजीडी की ब्रांच नहीं है। एंड ऑब्वियसली दिस इज जस्ट अ जोक सो दैट यू रिमेंबर इन योर एग्जामिनेशन, कि ऐसा कुछ किसी ने बोला था कि अरे गुजरात में तो एनजीडी है ही नहीं है, गुजरातियों को ये पसंद है नहीं। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 7, अगेन आइदर यू नो इट और यू क्विट। क्वेश्चन नंबर 7, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा डिक्लेयर किया था 2017 में? द आंसर वॉज यूथ क्विक। अब इस साल का वर्ड ऑफ द ईयर क्या है ये याद कर लेंगे, लेकिन इस साल का वर्ड ऑफ द ईयर अभी डिक्लेयर नहीं हुआ और अभी साल खत्म होने में 2-1 महीने हैं। तो ये लोग जब भी डिक्लेयर करें आप इसको सर्च करते रहिएगा गूगल में, भले ही अलर्ट सेट कर लीजिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये आप ढूंढ के भले ही कमेंट में डाल दीजिएगा अगर आपको कभी लगे, तो हमारा भी भला हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अगेन आइदर यू नो इट और यू क्विट, बट थोड़ी सी प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं। सत्यजीत री कमेटी, श्याम बेनेगल कमेटी, ये तो पिक्चरों वाली कमेटियाँ सुनाई दे रही है यार, है ना? तो इन दोनों को तो हटा दो, तो आपकी 50-50 की लाइफ लाइन खत्म। अब जस्टिस मुकुल मुदगल कमेटी और जस्टिस खोसला कमेटी रह गई है। अब आईपीएल के केस में जो करप्शन के एलिगेशन की इंक्वायरी बैठी थी वो जस्टिस मुकुल मुदगल कमेटी थी। तो अगर मालूम है ठीक है, नहीं मालूम छोड़ दीजिए, क्योंकि ईच -1 ऑन दैट आंसर शीट विल टेक योर रैंक डाउन बाय 20-30 एंड दैट इवेंचुअली मे जस्ट मेक ऑल द डिफरेंस। देन क्वेश्चन नंबर 9, नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है हमारे देश के अंदर? तो अगेन मालूम है ठीक है, नहीं मालूम छोड़ दीजिए, बट थोड़ा सा मेमोरी ट्रिगर दे देते हैं। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है, 25 जनवरी को ड्रेस रिहर्सल होती है। तो याद रख लेंगे कि जिस दिन ड्रेस रिहर्सल होती है उसी दिन नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, दैट इज द करेक्ट आंसर इज 25th जनवरी। और 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाई जाती है, 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे। तो ये इस साल आ सकता है ये सवाल, अपार्ट फ्रॉम डी यू में तो नहीं पूछेंगे बट अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में उल्टा पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स इज डेफिनेटली रॉन्ग। द क्वेश्चन पेपर इज नॉट लुकिंग फॉर द करेक्ट आंसर, इट इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स इज डेफिनेटली रॉन्ग, कि भैया जो गलत है वो बताइए। अब इसका सबसे सरल तरीका क्या है, जैसा कि हमने पहले मैथ्स वाला क्वेश्चन किया था, ए को मान लीजिए 100 और 10-10 का डिफरेंस लेके बाकी वैल्यूज डाल दीजिए। ए 100 इज ग्रेटर देन बी, बी को मान लीजिए 90, जैसा कि मैंने अभी बोला कि 10 का डिफरेंस ले लिया हमने, तो 100 में से 10 गए, 90 बचे। दिस इज जस्ट वी आर रिज्यूमिंग ऑन आर ओन एंड। देन सी क्या होगा? 80, तो 90 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 80 एंड देन 80 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 70, सो 100, 90, 80, 70, ये हमने मान लिया। नाउ दीज इक्वेशंस आर ट्रू बिकॉज 100 इज ग्रेटर देन 90, 90 इज ग्रेटर देन 80 एंड 80 इज ग्रेटर देन 70। अब इनकी वैल्यूज आप क्वेश्चन में वापस जाके डाल दीजिए and you are going to get your answer in a snap. D is less than A, पहला option देखिए, 70 is less than 100, which is correct, alright, but ये question पूछ रहा है which of the following conclusions is definitely wrong, कि भैया जो गलत वाला है वो बता दे मुझे, मुझे ये मत बता कि इनमें से कौन सा सही निकला है। तो पहला वाले पे तो आप खोपड़ी लगा दीजिए, it is out of the window। then second को देखिए, 80 is less than 90, ये भी सही है,
अरे तो इसको भी हटाइए. बट थर्ड ऑप्शन देखिए, 100 इज लेस देन 70. नाउ दिस कंक्लूजन इज डेफिनेटली रॉन्ग, क्योंकि हाउ कैन 100 बी लेस देन 70, राइट. बट एक डबल चेक कर लेते हैं, फोर्थ ऑप्शन देख लीजिए, 90 इज लेस देन 100. अरे ये तो वो भी सही है. तो द आंसर इज डेफिनेटली रॉन्ग इज द थर्ड वन, एंड इट सिट्स इन परफेक्टली. तो अगर ऐसा कोई सवाल आए, यू आर गोइंग टू अज्यूम 100 एंड -10 -10 -10. दैट इज द ट्रिक टू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, नो मैटर विच एग्जामिनेशन. नाउ 11th, अगेन कॉमनवेल्थ गेम की अवार्ड लिस्ट याद है तो आपको पता होगा कि ऑप्शन नंबर 4 मनु जी ने ये मेडल जीता था. अब ये सवाल तो दोबारा पूछेंगे नहीं, क्योंकि 2018 तो अब खत्म हो जाएगा, 2019 में ये एग्जाम होगा. लेकिन इससे हमें पता चलता है कि 2018 में जो स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं वो आपको देखने पड़ेंगे, जिसके रिलेटेड दो वीडियोस TLOI के चैनल पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, विच इज द खेल रत्न अवार्ड एंड द एशिया गेम्स मेडलिस्ट ऑफ इंडिया. तो ये दोनों आप देख लेंगे और इससे नोट्स बना लेंगे, क्योंकि इस पर मुझे लगता है 1 से 2 सवाल आ सकते हैं, और जी के रिलेटेड सवाल है और थोड़ी सी रट्टाबाजी करनी है. नाउ ट्रिक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, मैं इसको 1 सेकंड स्क्रीन पर रोक रहा हूँ. देन यू गोइंग टू पॉन्डर कि भाई यहाँ चल क्या रहा है, दिस क्वेश्चन सीम्स वेरी इजी बट इट इज अ ट्रिक क्वेश्चन, बिकॉज इट सेज द रैंक ऑफ द स्टूडेंट इज 20th, नॉट 20, इट इज 20th, 20वां. तो 20th है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फटाफट हम एक लिस्ट बना लेते हैं, ऐसी जैसी कि आपकी स्क्रीन पे है. नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट टू मोर स्टूडेंट्स आर टेकिंग एडमिशन. वेरी गुड. 45 से क्लास स्ट्रेंथ कितनी हो गई, 47 हो गई, करेक्ट. दो बच्चे और आ गए, बट आर रैंक इज ओनली ड्रॉपिंग बाय 1. सो दैट मीन्स आउट ऑफ दीज 2 एडमिशंस, 1 स्टूडेंट हैज बीन प्लेस्ड अबव अस, दैट इज अबव 20th, एंड द अदर वन आफ्टर अस. बट द टोटल स्टूडेंट पॉपुलेशन हो गई 47. तो जो टोटल जो रैंक्स बन गई वो अब बन गई 47th तक, और हम हो गए 21वे. तो अगर आप 47 माइनस 21 करेंगे तो आंसर आएगा 26, बट वो आंसर नहीं है, क्योंकि आपने एक और इंक्लूड करना है. आप अपने फिंगर्स पे 47 से लेके 21 तक काउंट कीजिए, 47 को पहला नंबर बनाइए, इंक्लूड कीजिए उसे, तो आंसर आएगा 27th यहाँ पे, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट रैंक्स हियर. सो व्हाट इज हिज नाउ पोजीशन, क्वेश्चन आपसे व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम बॉटम पूछ रहा है. तो अब आपने रिवर्स रैंक निकाल के देनी है उसकी. तो फ्रॉम द बॉटम इज प्लेस्ड एट द 27th रैंक, नॉट द 26th, क्योंकि यहाँ पे आपने वो 47 इंक्लूड करना है. आप अपनी उंगलियों पे ये गिन के कर सकते हैं, 47 माइनस 21 कर लीजिए, बट ऑन योर फिंगर्स एंड टेक 47 एज द फर्स्ट नंबर, तो आपके पास आंसर आएगा 27th. इन द रैंक टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू मस्ट ऑलवेज इंक्लूड द फर्स्ट गाय, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि जी ओथ किस शेड्यूल में मेंशन है, तो दैट इज मेंशन इन द 3rd शेड्यूल. नहीं मालूम, इट इज ऑल राइट, लीव इट. बट यहाँ पे हमने लिस्ट बनानी शुरू कर दी. 8th शेड्यूल में हमने लैंग्वेजेस देख ली आज, और 3rd शेड्यूल में हमने देख ली ओथ्स. तो ऐसी लिस्ट पूरी मैं बनाते चले जाऊंगा, बाय द एंड ऑफ 100 क्वेश्चंस वी विल हैव अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड चार्ट्स फॉर यू टू रटो. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि जी ये बताओ कि कौन सा आर्टिकल है जो कि प्रेजिडेंट को लेजिस्लेटिव पावर देता है. तो पहले ये जरा देख लेते हैं कि भैया लेजिस्लेटिव पावर का मतलब क्या होता है. लेजिस्लेटिव पावर का ये मतलब होता है कि जब पार्लियामेंट रिसेस में है, यानी कि पार्लियामेंट एज यूजुअल पॉलिटिशियंस कोई काम नहीं कर रहे और ब्रेक ली हुई है, तो प्रेसिडेंट 1, 2, 3 करके ऑर्डिनेंस पास कर सकता है जस्ट इन अ स्नैप. सो जस्ट इन अ स्नैप, जैसा कि थानोस ने एवेंजर में किया, प्रेसिडेंट कैन इशू एन ऑर्डिनेंस 1, 2, 3 स्नैप. 1, 2, 3 से ही हमारा गाना भी है, तेजाब पिक्चर का 1988, माधुरी दीक्षित का मोस्ट पॉपुलर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. खैर गाना तो अब नहीं मैं गाने वाला, क्योंकि मेरी सिंगिंग बहुत खराब है. तो इसका आंसर अब तक आपको समझ में आ गया होगा, विच इज 1, 2, 3. सो दैट्स आर्टिकल 1, 2, 3. और हमने इतनी कहानी क्यों करी इस आंसर तक पहुंचने के लिए, ताकि आपको ये रट जाए. दीज आर मेमोरी ट्रिगर्स सो दैट यू रिमेंबर इन द एग्जामिनेशन, और आपके नंबर आएंगे तो मुझे खुशी होगी. लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो कि बच्चों
को 14 साल से नीचे नौकरी देने से कौन सा आर्टिकल रोकता है, तो आर्टिकल ये रख लीजिए, आर्टिकल इज 24 के जी, अब 24 के साथ कोई रिलेशन बना लीजिए, 24 माइनस 14 इज इक्वल टू 10 या ऐसा कुछ, आप मेमोरी ट्रिगर अपने आप सेट कर लीजिए इसका, क्योंकि आर्टिकल 24 ही वो आर्टिकल है जो कि ये प्रोहिबिट करता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. तो ये थे पहले 15 क्वेश्चन. वी हैव टू डिस्कस अबाउट 100 क्वेश्चन फ्रॉम डी यू. तो आज हमने क्या क्या सीखा, आर्टिकल 24 इज रिलेटेड टू किड्स, आर्टिकल 1, 2, 3 एक दो तीन लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, एट स्केड्यूल एंड 92nd अमेंडमेंट इज लैंग्वेजेस, थर्ड स्केड्यूल इज अबाउट ओथ टेकिंग सेरेमनीज, एंड देन 2018 ऑक्सफर्ड वर्ड ऑफ द ईयर आपने नोट डाउन करना है क्योंकि ये पूछा जा सकता है. तो फ्री फंड के 4 नंबर आपको मिल जाएंगे. एंड दैट्स अबाउट इट. प्लीज हिट दैट थम्स अप बटन एंड देन स्टे ट्यून्ड फॉर द अदर पार्ट्स इन विच आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ डी यू एल एल बी 2018 फॉर योर 2019 एग्जामिनेशंस. टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे अहेड.